जी सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुस्लिम लॉ का हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है जी। दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैंने, और जो सेकंड लेक्चर था उसके रिगार्डिंग हम लोग टेबल वन था, उसमें जो जो हमारे लीगल एयर्स हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग में हमने बात की थी कि उनको कितना कितना शेयर मिल रहा है, ठीक है जी। क्योंकि ये फिक्स शेयर है, मुस्लिम लॉ की ये खासियत है कि उनके जो जो उनके जो लीगल एयर्स होते हैं डेथ के बाद, जिनको प्रॉपर्टी जानी है, उनको फिक्स्ड शेयर कैलकुलेट ऑलरेडी किया गया है कि आपको इतना शेयर मिलेगा, बट आप कंडीशन पूरी कर दो, ठीक है जी। तो टेबल वन के लिए हमने टोटल 7 पॉइंट जो किए थे सेकंड लेक्चर में, अभी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, टेबल वन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 8 जो 8th पॉइंट से हम लोग आज शुरू करेंगे, टोटल 13 पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, टेबल वन में। और टेबल वन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पर्सन के लिए एक शेयर कैलकुलेट किया गया कि आपका इतना शेयर होगा, लेकिन विद कंडीशन, वो मैंने आपको कल बता दिया है। टोटल 7 हमने एंट्रीज की हैं, अभी 8th पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8th पॉइंट है फादर्स फादर, ठीक है जी, फादर का फादर। क्योंकि ये फादर था वो 6th पॉइंट पे था जो हमने पिछले लेक्चर में किया है, ठीक है जी। तो 6th पॉइंट में फादर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अभी 8th पॉइंट में फादर का फादर है। फादर के फादर को 1/6 शेयर मिलेगा, लेकिन वहां पे कंडीशन ऐड कर दी कि 1/6 शेयर आपको तभी मिलेगा इन केस वहां पे फादर आपका नहीं है, मींस आपका बेटा नहीं है, ठीक है जी। जिसकी डेथ हो रही है उसका फादर नहीं है, उसके फादर का फादर है, मींस दादा है, उसको 1/6 शेयर मिलेगा, लेकिन विद ए कंडीशन कि वहां पे चिल्ड्रन होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। अदरवाइज वो सारा, अगर यहां पे बच्चे नहीं है तो डेफिनेटली टेबल वन में उसको कुछ नहीं मिलेगा, सारा रेजिडुअली में जाएगा। तो जो सेकंड टेबल हम लोग कल आज करेंगे, सेकंड टेबल भी करेंगे, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सेकंड टेबल पे होगा। सेकंड टेबल जो है वो रेजिडुअली का है, अगर टेबल वन में कोई नहीं है तो सेकंड टेबल में जो है, सेकंड टेबल में जो पर्सन होगा उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे फादर का फादर है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या रखिए कि सन वहां पे होना चाहिए, जो जिस पर्सन की डेथ हुई है, ठीक है, उसके सन होना चाहिए। तो दादे को तभी प्रॉपर्टी मिलेगी जब मरने वाले का या बेसिकली जब फादर नहीं है, जो लेकिन बच्चे जरूर है वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन अगर मेट आउट होगी तो 1/6 जो शेयर है वो उसके दादे को मिलेगा, ये सिंपल। देन वी हैव अ नेक्स्ट, फादर की मदर मीन्स दादी, ठीक है जी। ऊपर दादा आ गया, दीजिए आ गई हमारी दादी जी आ गई, और इनको भी सेम शेयर है 1/6, ठीक है जी। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे मदर नहीं होनी चाहिए, मदर नहीं होनी चाहिए, तब जाके दादी को प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है जी, मदर नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हालांकि सिर्फ यही कंडीशन है कि फादर्स की मदर को 1/6 मिलेगी जब मदर नहीं है, तो यहां पे मदर नहीं है, तब जाके उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है जी। जो हमारे हनाफी और मलिकी लॉ है वो कहते हैं कि अगर फादर भी नहीं है, फादर भी नहीं है तो भी 1/6 प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों में हनाफी में है सिर्फ, एज ए जनरल रूल फादर की मदर को 1/6 प्रॉपर्टी मिलेगी इनकेस मदर नहीं है, ये क्रॉस है, मींस मदर नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हनाफी और मलिकी कहता है कि फादर की मदर को 1/6 प्रॉपर्टी मिलेगी अगर मदर भी नहीं है और फादर भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन मैटर होनी चाहिए, ठीक है जी। देन 10th पॉइंट इज मदर की मदर मींस नानी, ठीक है जी। तो ये तो फादर की मदर है, दादी आ गई, यहां पे मदर की मदर है, एडमिट नानी की हम लोग बात करें, नानी की, कि नानी को कितना शेयर मिलेगा, उसको भी 1/6 मिलेगा, ठीक है, बट विद कंडीशन की मदर नहीं होनी चाहिए, नानी को तभी जाएगा जब मदर नहीं है, अदरवाइज तो मदर को दे देंगे। तो अगर मदर जिंदा नहीं है तो जाके हम लोग नानी को देंगे, तो नानी का हिस्सा भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 1/6 इन केस मदर इज नॉट अवेलेबल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, ठीक है जी। आप बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये कंडीशनें पूरी होनी चाहिए, फादर के फादर को 1/6 तभी मिलेगा जब फादर जिंदा नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, चिल्ड्रन है,
फादर की मदर को 1/6, मदर की मदर को 1/6, लेकिन विद कंडीशन फादर की मदर को मिलेगा इनकेस मदर नहीं है और फादर इनकेस हनाफी और मलिकी में नहीं है। यहाँ पे मदर की मदर को 1/6 शेयर पक्का है, लेकिन विद कंडीशन की मदर नहीं होनी चाहिए। अगर मदर है तो डेफिनेटली इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेवेंथ पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल सिस्टर, ठीक है जी। हमने सिबलिंग की डेफिनेशन की थी जब हमने लेक्चर फर्स्ट रिकॉर्ड किया था, राइट। उसमें हमने रियल सिस्टर के बारे में बात की थी, रियल ब्रदर सिस्टर, देन वी हैव पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर्स, और जो मटरनल ब्रदर एंड सिस्टर, जो मटरनल साइड है, वो हमें 3 सिबलिंग्स किए थे। तो यहाँ पे मैं रियल सिस्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो रियल सिस्टर अगर आपके पास है तो उनको, अगर रियल सिस्टर दो है, 2 रियल सिस्टर है, ठीक है जी, तो उनको 2/3 मिलेगा दोनों को, दोनों को 2/3 मिलेगा। वो 2/3 आपस में वो बांट लेंगे, लेकिन 2/3 कब मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे कंडीशन चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। रियल सिस्टर अगर दो है, रियल सिस्टर अगर दो है तो दोनों को 2/3 मिलेगा, वो 2/3 आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन वो कब होगा, ये कंडीशन पूरी होनी पड़ेगी वहां पे, मींस इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, फादर, फादर्स फादर और रियल ब्रदर। क्योंकि यहां पे अगर रियल ब्रदर है तो टेबल वन में रियल सिस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। अगर रियल ब्रदर अवेलेबल है, सिस्टर भी है, तो रियल सिस्टर को टेबल वन में कुछ नहीं मिलेगा, वो टेबल टू में चली जाएंगी, दोनों को इकट्ठा मिलेगा। फिर यहां पे क्या इंपॉर्टेंट, टेबल वन में सन को जगह नहीं दी गई, इसलिए रियल सन को भी कोई जगह नहीं है, वो टेबल टू में है सब कुछ। तो इसके लिए डॉटर, सन्स डॉटर और सन्स सन्स डॉटर को टेबल वन में रखा गया है, ठीक है जी। तो यहां पे रियल सिस्टर है, टेबल वन में है, इलेवंथ पॉइंट है। अगर दो रियल सिस्टर है, 2/3 प्रॉपर्टी दोनों को इकट्ठी मिलेगी, लेकिन विद कंडीशन की वहां पे चिल्ड्रन, फादर, फादर्स फादर और रियल ब्रदर नहीं होने चाहिए। अगर रियल सिस्टर एक है, अगर रियल सिस्टर एक है तो उसको हाफ प्रॉपर्टी दे देंगे हम लोग, उसका हाफ शेयर अवेलेबल, उसको हम लोग, हमने कैलकुलेट किया वो, हम आपको उसको हाफ शेयर देंगे। लेकिन विद कंडीशन, कंडीशन फिर वही है सेम हमारी, कंडीशन सेम है, कंडीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि रियल सिस्टर को 2/3 देंगे इन केस हमारे दो रियल सिस्टर हैं, ठीक है जी। दो रियल सिस्टर है, 2/3, लेकिन वहां पे कंडीशन हमने देखनी है कि वहां पे चिल्ड्रन नहीं होनी चाहिए, फादर नहीं होने चाहिए, फादर का फादर नहीं होना चाहिए और रियल ब्रदर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वन रियल सिस्टर है तो उसको हाफ शेयर दे देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो दैट मीन्स ये फिक्स्ड शेयर है, 2/3 1/2, ये हमारे फिक्स्ड शेयर है विद कंडीशन। बस आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तो अगर कंडीशन नहीं पूरी हुई तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो है वहां पे उन्हीं को देंगे ना हम, तो इनको नहीं देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन यूर 12, दैट इज पैटर्नल सिस्टर, ठीक है जी। That is paternal sister, father की तरफ से, ठीक है जी। That means हम लोग बात कर रहे हैं father, paternal sister, जहां पर father की दो marriages हैं, दोनों में बच्चे हैं, तो आपस में उसकी बात कर रहे हैं, that is a paternal sister हमारी, ठीक है जी। तो paternal sister के regarding भी यहाँ पे table वन में उनको शेयर दिया गया है, तो शेयर कितना है वो हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। अगर टू पटर्नल सिस्टर है तो
टू थर्ड शेयर उनका होगा। अगर दो पैटर्नल सिस्टर हैं तो दोनों को टू थर्ड शेयर मिलेगा, दोनों आपस में टू थर्ड डिस्ट्रीब्यूट आपस में इक्वल इक्वल कर लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारी सी एच एफ फादर फादर रियल ब्रदर, ये अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, और एक पैटर्नल ब्रदर। रियल सिस्टर्स जो पटर्नल सिस्टर को तभी मिलेगा जब पटर्नल ब्रदर नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि सबको तो देना ही नहीं है, टेबल वन में सबको रखा ही नहीं गया, तो पटर्नल सिस्टर है तो पटर्नल ब्रदर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पटर्नल सिस्टर को टू थर्ड मिलेगा अगर वो दो पटर्नल सिस्टर है लेकिन विद कंडीशन चिल्ड्रन नहीं है वहां पे, फादर नहीं है, फादर का फादर नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है और रियल सर नहीं है, क्योंकि रियल ब्रदर या रियल सर उनको प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है, तो उनको पहले देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी जिंदा हुआ तो पटर्नल सिस्टर को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास एक पटर्नल सिस्टर है वन, तो उसको हम लोग हाफ शेयर दे देंगे, ठीक है जी, विद द सेम कंडीशन, विद द सेम कंडीशन, ठीक है जी। दिस इज इंपॉर्टेंट, दो पटर्नल सिस्टर है टू थर्ड, ये कंडीशन मेटर कर दो आप। अगर एक पटर्नल सिस्टर है तो हाफ शेयर दे दो, बट ये कंडीशन पूरी होगी तभी, अगर इनमें से एक भी जिंदा हो तो होगा, जिंदा होगा तो डेफिनेटली पटर्नल सिस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और भी है, देन वी हैव अ, वी कैन से 1/6 शेयर, 1/6 शेयर मिलेगा इन केस वन रियल सन है ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे 1/6 शेयर भी रखा गया है, अगर वन रियल सन है, वन रियल सन आपके पास है तो आपको 1/6 शेयर मिलेगा, ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पे दूसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सन चिल्ड्रन नहीं है, फादर फादर्स फादर रियल ब्रदर और रियल रियल ब्रदर और पटर्नल ब्रदर वो नहीं होने चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यहां पे अगर ऊपर देखते हैं हम लोग, तो यहां पे रियल सिस्टर वहां पे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है जी, रियल सिस्टर है, लेकिन वो दो के केस में है, ठीक है जी। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि वो दो के केस में हम लोग ऐड कर रखे हैं कि जहां पर दो पटर्नल सिस्टर है तो उनको टू थर्ड मिलेगा, अगर वन पटर्नल सिस्टर है तो वन हाफ शेयर मिलेगा, लेकिन ये कंडीशन हमने पूरी करनी है। लेकिन एक और एक कंडीशन ऐड कर देगी, जो पटर्नल सिस्टर है उसको 1/6 भी मिलेगा इन केस रियल वन रियल सिस्टर जो है वो है और बाकी नहीं है, तो उनको 1/6 शेयर मिलेगा। तो ये फिक्स है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उनके जो मुस्लिम लॉ में जो उनका लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें टेबल में फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे किंतु परंतु हम लोग नहीं कर सकते, क्यों है, कैसे नहीं है, कंडीशन क्यों डाल रखी है, ऊपर रियल सिस्टर था, नीचे रियल सिस्टर क्यों डाल रखी है, जब ऊपर हमने मेंशन किया कि रियल सिस्टर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे रियल सिस्टर क्यों है? अगर रियल सिस्टर हो तो डेफिनेटली तो इसको तो शेयर मिलना चाहिए नहीं, लेकिन ये टेबल है जो फिक्स है हमारे लिए, तो इसमें हम लोग कंडीशन या किंतु परंतु नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो 1/6 शेयर इनकेस अगर वन रियल सन जिंदा है और चिल्ड्रन फादर फादर्स फादर रियल ब्रदर और रियल जो पटर्नल ब्रदर वो नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज पर्सन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वन रियल सिस्टर, ये 1/6 शेयर हमने पटर्नल सिस्टर को देने दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो रियल सिस्टर की बात की, ठीक है जी, जो एक्चुअल में जो रियल सिबलिंग है हमारे, देन वी हैव पटर्नल सिबलिंग की बात कर रहे हैं हमने, वो हमने पटर्नल सिबलिंग की बात की। अब जो मटर्नल साइड की जो है मटर्नल सिबलिंग, अब उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो जो रियल ब्रदर और पटर्नल जो ब्रदर्स हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं रियल, वहां पे 2:1 की रेशियो में डिवाइड होगी प्रॉपर्टी, मीन्स अगर फीमेल को जितनी प्रॉपर्टी देनी है उससे डबल मेल को देनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन जो अभी हम नेक्स्ट करेंगे लास्ट वन, जो मटर्नल सिबलिंग की बात कर रहे हैं,
मटर्नल सिंगल मैंने ये आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि वो उसको अगर वहां पे सन और डॉटर अवेलेबल है रियल और सॉरी पटर्नल जो मटर्नल ब्रदर और सिस्टर है तो उनको वन वन में डिवाइड करेंगे, उसको इक्वल प्रॉपर्टी हमने डिवाइड देनी है। तो उसके लिए आप लेक्चर वन जरूर सुन लेना क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया मैंने आपको। इनका जॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो दैट इज मैटरनल सिबलिंग मींस सन और मैटरनल डॉटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर होते हैं, वैसे मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रियल से, तो रियल के साथ तो फिर मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर ही होंगे ना, तो ये दोनों को हमने इकट्ठे कर दिया, ठीक है। पहले हमने अलग अलग किया, मटर्नल सिस्टर का किया, फिर उसके बाद पटर्नल सिस्टर का किया, अब हम मटर्नल जो बेसिकली मटर्नल सिबलिंग है उन दोनों को इकट्ठे रख दिया दोनों को। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि उसको वन थर्ड मिलेगा और वन सिक्स मिलेगा, दो शेयर दिए हुए हैं और दोनों शेयर में जो कंडीशन है वो क्या है, उन्होंने कह दिया कि यहां पे वन थर्ड का मिलेगा अगर दो मटर्नल सिबलिंग है, टू मैटरनल अगर दो मैटरनल सिबलिंग है, दो पर्सन है जो मैटरनल सिबलिंग वाले हैं उनमें से दो पर्सन है तो डेफिनेटली उनको वन थर्ड शेयर हम लोग देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि सी एच चिल्ड्रन फादर और फादर फादर नहीं होने चाहिए, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। दो या दो से ज्यादा जितने भी मैटरनल सिबलिंग होंगे तो हमने वन थर्ड ही देना है, दो या दो से ज्यादा जितने भी होंगे तो उनको वन थर्ड ही देना है, ठीक है, वो आपस में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। लेकिन वन सिक्स कब देंगे, जब हमारे पास सिर्फ एक मैटरनल सिबलिंग है, वन ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर दो मैटरनल या दो से ज्यादा मैटरनल सिबलिंग है तो वन थर्ड वो आपस में शेयर कर लेंगे, लेकिन डिवाइड इक्वली होगा, चाहे वो सन है, चाहे वो मैटरनल ब्रदर है, चाहे वो मैटरनल सिस्टर है, वो इक्वली डिवाइड करेंगे हम लोग। वहां पर कोई कंडीशन है टू वन रेशियो की, कोई कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ पटर्नल में ही है और रियल में ही है। और दूसरी बात, अगर एक मैटरनल सिबलिंग है तो वन सिक्स, अगर एक से ज्यादा है तो वन थर्ड, ठीक है, अगर एक है तो वन सिक्स, लेकिन कंडीशन दोनों में सेम ही है, चिल्ड्रन फादर और फादर फादर नहीं चाहिए, अगर इनमें से कोई भी हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल वन, ये जो हमने टेबल वन किया था वो है। एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर रहा हूं, जो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं उसमें टेबल वन को आपको करना जरूरी है। अगर आप टेबल वन को नहीं समझ सकते तो डेफिनेटली आप जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करोगे तो डेफिनेटली आप कर नहीं सकते, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने शेयर के साथ क्या कंडीशन अटैच है, आप उसको प्लीज एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट ज्यादा नहीं है, इजी है, इजीली आपको समझ आ जाएगा अगर आप लिख के लिखोगे, ठीक है जी। तो एक कॉपी में सेपरेट टेबल बना लो, टेबल नंबर वन सीक्वेंस वाइज आप लिख दो, विद कंडीशन प्रॉपर लिख दो, और उसको आप ध्यान से देख लो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कितना शेयर किसको देना है और किस कंडीशन में देना है, किस कंडीशन को पूरा करना है, कब कितना शेयर मिलेगा, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल नंबर वन, राइट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो लीगल एयर्स होंगे, किसी पर्सन की डेथ होती है, लीगल एयर्स जितने भी होंगे तो उनको जो प्रॉपर्टी है उनको कितना कितना शेयर देना है वो हमने टेबल वन में किया है, ठीक है। तो टेबल वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में होती है कि कितना शेयर किसको कितना देना है, क्या कंडीशन पूरी करनी है, तो वो हमने आज पूरा कर लिया टेबल नंबर वन। तो टेबल नंबर वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मुस्लिम इनहेरिटेंस, जो आपको करना जरूरी है। इनकेस अगर आप नहीं करते तो डेफिनेटली आपको कोई फायदा नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो फिर भी ये जो 13 पॉइंट है
इन 13 पॉइंट्स में अगर किसी को कोई चीज नहीं पता लगती तो प्लीज आप पूछ लेना, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि जो कंडीशनें अटैच की गई हैं वो मुस्लिम लॉ द्वारा की गई हैं। जो टेबल बनाया गया उसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते, जैसा है हमें वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है जी। कंडीशन हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। जो कंडीशनें ऐड वहां पे रखी गई हैं प्रॉफिट मोहम्मद दीन जी द्वारा, ठीक है, जो उनके गुरु थे, मुस्लिम प्रॉफिट थे, तो उनके द्वारा जो कंडीशनें रखी गई हैं या मुस्लिम लॉ द्वारा रखी गई हैं वो हमें कंडीशन एज इट ही रखनी पड़ेगी, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, किंतु परंतु नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं अराइज करते, उंगल नहीं उठाते, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टिल इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछ लेना, कमेंट करना जी। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।